सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। हम इंसान की जो सामाजिक जिंदगी है उसकी पढ़ाई ही सोशियोलॉजी है। अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ह्यूमन लाइफ इज दैट ह्यूमन इंटरैक्ट कम्युनिकेट एंड कंस्ट्रक्ट सोशल कलेक्टिविटीज। अगर हम इंसानी जिंदगी का कोई एक अहम फीचर को डिफाइन करें तो वो ये है कि हम इंसान जो हैं वो इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और साथ ही साथ कंस्ट्रक्ट भी करते हैं जो सोशल कलेक्टिविटीज हैं उनको। The comparative and historical perspective of sociology brings home two apparently innocuous facts. अब अगर हम सोशियोलॉजी का comparative और historical नज़रिया देखें तो हमारे सामने सीधे साधे दो facts निकल के आते हैं। The first that in every society, whether ancient or feudal or modern, Asian or European or African, human groups and collectivities exist. सबसे पहला, कोई भी समाज हो, चाहे वो एंशियंट हो, फ्यूडल हो, मॉडर्न हो, एशियन हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो, हम ह्यूमन ग्रुप्स और कलेक्टिविटीज हर जगह एग्जिस्ट करती हैं। द सेकेंड दैट द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड कलेक्टिविटीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटी। दूसरा क्या है, किस तरीके के ग्रुप्स हैं, किस तरीके की कलेक्टिविटीज हैं, ये जो है अलग अलग होती हैं अलग अलग सोसाइटी में। एनी गैदरिंग ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरली कंस्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप। जरूरी नहीं है अगर लोग एक जगह इकट्ठे हो गए हैं तो वो सोशल ग्रुप बन गया। Aggregates are simple collections of people who are in the same place at the same time but share no definite connection with one another. Aggregates यानी जो groups हैं वो लोगों का simply एक collection है जो कि एक जगह पे है एक समय पर एक दूसरे का किसी से कोई connection या संबंध नहीं है। Passengers waiting at the railway station or airport or bus stop or a cinema audience are examples of aggregates. अब आप देखते हैं रेलवे स्टेशन पर हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टॉप हो, सिनेमा हो, वहाँ पर लोग बहुत सारे होते हैं पर जरूरी नहीं हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो ये एग्जाम्पल हुए एग्रीगेट्स के। सच एग्रीगेट्स आर ऑफन टर्म्ड एज क्वासी ग्रुप्स। इस तरह के एग्रीगेट्स को हमने नाम दिया है क्वासी ग्रुप्स का। अ क्वासी ग्रुप इज एन एग्रीगेट और कॉम्बिनेशन विच लैक्स स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन एंड हुज मेंबर्स मे बी अनअवेयर और लेस अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रुपिंग्स। क्वासी ग्रुप जो है एक ऐसा एग्रीगेट है या कॉम्बिनेशन है जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसके मेंबर्स जो हैं वो एक तरह से न जानते हैं या कम जानकारी है जो भी एग्जिस्टेंस है ग्रुपिंग्स की उनसे। सोशल क्लासेस, स्टेटस ग्रुप्स, एज एंड जेंडर ग्रुप्स, क्राउड्स कैन बी सीन एज एग्जाम्पल्स ऑफ क्वासी ग्रुप्स। अब सोशल क्लासेस जो हैं, स्टेटस ग्रुप्स हो गए, एज या जेंडर ग्रुप्स हो गए, भीड़ हो गई, ये सब एग्जाम्पल्स हुए क्वासी ग्रुप्स के। As these examples suggest, quasi groups may well become social groups in time and in specific circumstances. अब ये जो examples हैं quasi groups के, ये बताते हैं कि ये जो social groups जो हैं, शायद ये जो हैं social groups में बन जाएं समय आने पर या कुछ खास circumstances में यही quasi groups social groups बन जाएं। For example, individuals belonging to a particular social class or caste or a community may not be organized as a collective body. अब कोई भी इंडिविजुअल जो है जो पर्टिकुलर सोशल क्लास को, कास्ट को, एक कम्युनिटी को बिलोंग करता है, जरूरी नहीं है कि उसको ऑर्गेनाइज किया जाए कलेक्टिव बॉडी के तौर पे। दे मे बी येट टू बी इन्फ्यूज्ड विद द सेंस ऑफ वी फीलिंग। अभी भी उनमें जो है हम की भावना नहीं आई है, तो उनको जो है उनमें हम की भावना अभी लानी जरूरी है। बट क्लास एंड कास्ट हैव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिवन राइज टू पॉलिटिकल पार्टीज। पर ये जो क्लास और कास्ट हैं, इन्होंने इतने समय से का जो निकला है टाइम पीरियड, इसमें इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को जन्म दिया है। लाइकवाइज पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन इंडिया हैव ओवर द लॉन्ग एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल डेवलप्ड एन आइडेंटिटी एज द कलेक्टिव एंटिटी एंड द ग्रुप, अ नेशन विद अ शेयर्ड पास्ट एंड अ कॉमन फ्यूचर। अब लोग जो इन अलग अलग कम्युनिटीज के हैं इंडिया के अंदर, उनका जो एक लंबा संघर्ष रहा है एंटी कॉलोनियल, उसने एक डेवलप कर दी है ऐसी पहचान जो कि एक कलेक्टिविटी या ग्रुप को दिखाती है, एक ऐसा नेशन जो जिसमें लोग जो हैं अपने पास्ट को शेयर करते हैं और सबका एक आने वाला कॉमन भविष्य है। द वुमेन्स मूवमेंट ब्रॉट अबाउट द आइडिया ऑफ वुमेन्स ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो वुमेन ग्रुप हुआ या वुमेन्स का मूवमेंट हुआ, उसने विचार दिया वुमेन ग्रुप के और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑल दीज एग्जाम्पल्स ड्रॉ अटेंशन to how social groups emerge, change and get modified. तो जितने भी examples हैं ये आपका एक तरह से ध्यान दिलाते हैं कि कैसे social groups जो हैं उभरे, बदलाव हुए या उनमें बदलाव होते हैं। A social group can be said to have at least the following characteristics. अब एक social group के अंदर जो हैं कुछ खास characteristics होना जरूरी है। Persistent interaction to provide continuity.
लगातार एक दूसरे से इंटरेक्शन बना रहे तभी जो है कंटिन्यूटी बढ़ती रहेगी या कंटिन्यूटी मिलती रहेगी। अ स्टेबल पैटर्न ऑफ दीज इंटरेक्शन एक सामान्य तरीका है, एक ऐसा जो स्थायी तरीका है इन इंटरेक्शंस का। अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू आइडेंटिफाई विद अदर्स मेंबर्स दैट इज ईच इंडिविजुअल इज कॉन्शियस ऑफ द ग्रुप इटसेल्फ एंड इट ओन सेट ऑफ रूल्स रिचुअल्स एंड सिंबल्स। आपके में एक ऐसी सेंस होनी चाहिए कि आपकी एक पहचान है जिससे आप जो है दूसरों के साथ रिजेंबल करते हैं कि हाँ ये हमारे जैसा ही है। यानी हर इंडिविजुअल को इस चीज़ से जागरूक होना चाहिए ग्रुप के बारे में, उसके अपने खुद के रूल्स रिचुअल्स या सिंबल्स हैं उनके बारे में। शेयर्ड इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कॉमन नॉर्म्स और वैल्यूज की, और एक डिफाइनेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल ग्रुप्स की। सोशल स्ट्रक्चर हियर रिफर्स टू पैटर्न्स ऑफ रेगुलर एंड रिपीटेड इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। तो सोशल स्ट्रक्चर क्या हुआ, वो पैटर्न रेगुलर और रिपीटेटिव इंटरेक्शन का, रेगुलर तौर पे और लगातार बार बार वैसा ही इंटरेक्शन हो रहा है इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच में। अ सोशल ग्रुप दस रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग पर्संस हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट कल्चर वैल्यूज एंड नॉर्म्स विद इन अ गिवन सोसाइटी। एक सोशल ग्रुप जो है हम मान कहते हैं एक कलेक्शन है जिसमें लगातार जो लोग हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, जिनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, कल्चर हैं, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं एक दिए हुए समाज के अंदर। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। एज यू रीड थ्रू दिस सेक्शन ऑन ग्रुप्स यू विल फाइंड दैट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव कैटेगराइज्ड ग्रुप्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। जैसे जैसे आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे ग्रुप्स के बारे में आपको पता चलेगा कि अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने ग्रुप्स को अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज किया है। What you will be stuck with, however, is that there is a pattern in the typology. पर एक चीज़ आप देखेंगे इस पूरी typology में एक तरीका, एक pattern जो है वो work कर रहा है। In most cases, they contrast the manner in which people form groups in traditional and small-scale societies to that of modern and large-scale society. ज़्यादातर केसेस में जो है बिल्कुल opposite मिलेगा जिस तरीके से लोग जो हैं वो groups बनाते हैं ट्रेडिशनल और स्मॉल स्केल सोसाइटीज में या मॉडर्न और लार्ज स्केल सोसाइटीज में। एज मेंशन अर्लियर दे वर स्ट्रक बाय द डिफरेंस बिटवीन क्लोज इंटीमेट फेस टू फेस रिएक्शन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज एंड इम्पर्सनल डिटैच डिस्टेंट इंटरेक्शन इन मॉडर्न सोसाइटीज। जैसे पहले भी बताया था उनके उनके सामने क्या आएगा, एक ऐसा डिफरेंस कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती हैं उसमें जो इंटरेक्शन होता है वो क्लोज होता है, इंटीमेट होता है, फेस टू फेस होता है, जबकि जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं उसमें इम्पर्सनल होता है, डिटैच होता है, डिस्टेंस इंटरेक्शन होता है। हाउएवर अ कंप्लीट कंट्रास्ट इज प्रोबेबली नॉट एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी। अब हम बिल्कुल ही एक दूसरे को अपोजिट कहकर अगर हम डिस्क्रिप्शन दें तो ये जो है बिल्कुल सही जो डिस्क्रिप्शन है रियलिटी का वो नहीं माना जाएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स। द ग्रुप्स टू विच वी बिलोंग आर नॉट ऑफ ऑल ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस टू अस। जिस ग्रुप को हम बिलोंग करते हैं हमारे लिए वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सम ग्रुप्स टेंड टू इन्फ्लुएंस मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ एंड ब्रिंग अस इनटू पर्सनल एसोसिएशन विद अदर्स। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे बहुत सारे जिंदगी के जो पहलू हैं उन पर प्रभाव डालते हैं और इसी वजह से हम खास तौर से समाज के साथ जो हैं जुड़ते हैं। द टर्म प्राइमरी ग्रुप इज यूज टू रिफर टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टेड बाई इंटीमेट एंड फेस टू फेस एसोसिएशन एंड कॉपरेशन। अब प्राइमरी ग्रुप में जो है हम उस छोटे ग्रुप को ला रहे हैं लोगों के जो एक दूसरे से इंटीमेट या फेस टू फेस कनेक्शन या कॉपरेशन करते हैं। द मेम्बर्स ऑफ द प्राइमरी ग्रुप हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जो प्राइमरी ग्रुप के मेम्बर्स हैं उनमें एक बिलोंगिंग की सेंस होती है। जैसे फैमिली, विलेज एंड ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, प्राइमरी ग्रुप्स के। सेकेंडरी ग्रुप्स आर रिलेटिवली लार्ज इन साइज, मेंटेन फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप। अब सेकेंडरी ग्रुप्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं साइज में, एक दूसरे से जो उनकी रिलेशनशिप है वो काफ़ी फॉर्मल होती है और इम्पर्सनल होती है। द प्राइमरी ग्रुप्स आर पर्सन ओरिएंटेड वेयर एज द सेकेंडरी ग्रुप्स आर गोल ओरिएंटेड। जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं वो पर्सन से संबंधित होते हैं जबकि जो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं उनका मेन क्या वो फोकस होता है, गोल क्या है। स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, स्टूडेंट्स एसोसिएशन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स। जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल्स हो गए या स्टूडेंट्स के एसोसिएशन हैं, ये सब एग्जाम्पल्स माने जाते हैं सेकेंडरी ग्रुप्स के। कम्युनिटी एंड सोसाइटी ऑफ एसोसिएशन।
The idea of comparing and contrasting the old traditional and agrarian way of life with a new modern and urban one in terms of their different and contrasting social relationships and lifestyles dates back to the writing of classical sociologists. ये जो एक कंपैरिजन या कंट्रास्ट कर रहे हैं हम, पहला जो ट्रेडिशनल एग्रेरियन वे होता था जिंदगी को जीने का, उसकी तुलना हम मॉडर्न अर्बन से कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट या कंट्रास्टिंग सोशल रिलेशनशिप्स लाइफस्टाइल्स के आधार पर. तो हमें जाना होगा जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट थे उनकी राइटिंग्स को देखें अगर, तो हमें ये मिलेगा कि ये कंपैरिजन और कंट्रास्ट वहाँ से हो रहा है. द टर्म कम्युनिटी रिफर्स टू द ह्यूमन रिलेशनशिप्स दैट आर हाईली पर्सनल इंटीमेट एंड एंड्योरिंग दोज where a person's involvement is considerable, if not total, as in the family with real friends or a close-knit group. जो community term है, इसको हम refer करते हैं एक human relationship के उसमें. मतलब जो बहुत ज़्यादा personal है, बहुत ज़्यादा intimate है, बहुत ज़्यादा enduring है. अगर personal और intimate की बात करें तो काफ़ी close हैं, और enduring का मतलब है काफ़ी स्थायी है. क्योंकि यहाँ का जो personal involvement है, वो पूरी तरह से नहीं कहा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है. आप ऐसे में जैसे हम फैमिली कह सकते हैं, रियल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या हमारा बहुत ही पास का एक जो ग्रुप होता है उसको कह सकते हैं. सोसाइटी और एसोसिएशन रिफर्स टू एवरीथिंग ऑपोजिट ऑफ कम्युनिटी. अब सोसाइटी क्या है, बिल्कुल ही कम्युनिटी का ऑपोजिट है. इन पर्टिकुलर द अपेरेंटली इम्पर्सनल सुपरफिशियल एंड ट्रांजिटरी रिलेशनशिप्स ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ. सोसाइटी एसोसिएशन क्या है, बहुत ज़्यादा पर्सनल फीलिंग नहीं है, सुपरफिशियल है और ट्रांजिटरी यानी चेंजिंग रिलेशनशिप्स हैं जो मॉडर्न अर्बन लाइफ के को बताती हैं. कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रिक्वायर अ मोर कैलकुलेटिंग रेशनल एंड सेल्फ इंटरेस्टिंग अप्रोच टू वंस डीलिंग विद अदर्स. अगर कॉमर्स और इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशनल रेशनल और सेल्फ इंटरेस्ट अप्रोच चलती है जब आप दूसरे के साथ डील करते हैं. वी मेक कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स रदर देन गेटिंग टू नो वन अनदर. हमारा वहाँ क्या मतलब होता है कि हम जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, बजाय एक दूसरे को जानने की कोशिश करने के. यू मे ड्रॉ अ पैरेलल बिटवीन द कम्युनिटी विद द प्राइमरी ग्रुप एंड एसोसिएशन विद द सेकेंडरी ग्रुप. आप चाहें तो एक तरह से एक पैरेलल बना सकते हैं कम्युनिटी प्राइमरी ग्रुप के साथ और एसोसिएशन सेकेंडरी ग्रुप के साथ.